हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अमेजिंग अनाया। आज हम रिव्यू कर रहे हैं एलिफेंट का, अनाया के प्यारे से हाथी राजा का। तो ये एलिफेंट 3-in-1 है। 3-in-1 कैसे है ये मैं आपको बताती हूँ। अनाया इस पे बहुत इंजॉय करती है और सारे बच्चे इस टाइप के हाथी या घोड़ा, कोई भी ऐसा रॉकर या बिल वाला कोई भी एनिमल है, उस पर बहुत इंजॉय करते हैं, चाहे उनके पास हाथी हो या घोड़ा हो। तो ये 3-in-1 ऐसा है कि फर्स्ट टाइप इसका बन जाता है रॉकर। इस पर आप बच्चे को बिठा के और वहीं रॉक करा सकते हैं। अगर आपका बेबी 6 मंथ का है और सिटिंग करना या फिर बैठना सीख गया है तो आप इस टाइप से इसे ले सकते हैं। तो ये फर्स्ट तो इसका है रॉकर। इसके बिल ऐसे साइड में हो जाते हैं, तो अगर सिर्फ बैठना चाहते हैं तो ना ऊपर होगा ना नीचे, ऐसे ऐसे सिट कर सकता है बेबी। सेकेंड, इसमें एक डिक्की दी है, तो अगर आप बच्चे को कहीं नीचे या ऐसे घुमाने ले जाते हैं तो इसमें पानी की बॉटल या छोटे मोटे टॉयस रख सकते हैं, आपका फ़ोन रख सकते हैं। तो इसमें ये डिक्की है, ईजीली बंद हो जाती है और खुल जाती है, इसमें कोई लॉक नहीं है। तो ये है इसकी डिक्की। थर्ड इसमें बन जाता है, फर्स्ट हुआ रोकर, सेकेंड हुआ इसमें डिक्की दी हुई है, और थर्ड इसके बिल आप नीचे कर लीजिए इस टाइप से। तो ये इस टाइप से आगे पीछे मूव करेगा। तो थर्ड ये इसका बन गया हमारा व्हील वाला चलने वाला हाथी। तो हाथी घोड़े हर टाइप से ये मिलते हैं और आप अपने बच्चों को इस पर बिठा के घुमा सकते हैं। तो 1 ईयर तक तो आपका बच्चा इसको यूज़ कर सकता है या उसके बाद भी थोड़े दिन से यूज़ कर सकता है। बच्चे इसको बहुत पसंद करते हैं। तो ये है 3-in-1 एलिफेंट। तो एलिफेंट राइड तो अनाया को बहुत पसंद है, मैं उसको इस पर बिठा कर बताऊँगी। एक बार अगर वो इस पर बैठ गई तो फिर उतरेगी नहीं। और ये आपको 600-800 या 1000 तक अलग अलग रेट में आपको मार्केट में मिल सकता है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है, तो आप ये ऑनलाइन भी ले सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे दूँगी। तो आपको कैसा लगा ये एलिफेंट का रिव्यू, तो आप हमें कमेंट करके बताइए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो मैं अनाया को इस पर बिठा के दिखाती हूँ। और मैंने टॉयज़ कलेक्शन वीडियो में बोला था कि ये अनाया को किसने गिफ्ट दिया है, तो ये अनाया की दादी, मतलब कि अनाया के पापा की मौसी ने इसे गिफ्ट दिया था। जब इसका बॉर्न हुआ था तभी इसे मिल गया था, लेकिन इसने इसे आफ्टर 4-5 मंथ के बाद यूज़ किया। तो अब तो वो इस पर बैठ जाती है तो उतरती ही नहीं है, बिल्कुल उतरना पसंद नहीं करती है। अनाया को सबसे ज़्यादा इस पर रॉक करना पसंद नहीं है, बस इस पर बैठ कर घूमना पसंद है। तो हमने तो घूमा थक गए हैं अनाया को इस पर, और ये थकी नहीं है घूम कर, इसलिए हमने इसकी सूंड में एक रस्सी बांध दी है। तो हम अनाया को उससे खींच खींच कर चलाते हैं, जिसका वीडियो आपने हमारे चैनल पर देखा ही होगा कि अनाया को हाथी को बैठ के घूमना कितना पसंद है। अब अगर मैं इसको रोक दूंगी तो फिर अनाया का रोना शुरू शुरू। अरे वाह, रानी बेटी बन गई तो वीडियो में। ये रोई। इसलिए हम इसको इस पे बहुत कम बिठाते हैं, क्योंकि अनाया हमारी बैठने के बाद उतरती नहीं है, खुद ही खड़ी होके चलाने लग जाती है। ये तो जब भी आप अपने बच्चों को हाथी या घोड़े किसी पर भी बिठाए तो हमेशा उसके साथ रहे, क्योंकि इसकी हाइट बहुत कम है, तो बच्चा कभी भी इस पे से उतर सकता है या कूद सकता है। कुछ घोड़े इस टाइप के आते हैं कि उसमें सीट बेल्ट होता है, तो आप अपने बच्चे को बांध सकते हैं, लेकिन बच्चे अपने को बंधवाना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, इसलिए उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप ऐसे भी ले सकते हैं, फिर आपकी चॉइस है, आपको जैसा पसंद हो आप वैसा लीजिए। तो अनाया को तो यही पसंद है। तो अनाया सबको बाय कर दो, बाय, 1-2-3, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।